नवम्बर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीपा पाटिल साहब का नाम दिया जाए, इसके लिए एक बार फिर नामांतरण आंदोलन गरमा गया है। 24 तारीख को प्रकल्पग्रस्त फिर से सड़क पर उतरने वाले हैं और अपने मसीहा के नाम की मांग करने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ जो सर्वपक्षीय कृति समिति है उसके कोर कमेटी के मेंबर हैं दशरथ भगत साहब, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बार का आंदोलन किस तरह का होगा, पिछले आंदोलन से इसमें क्या बदलाव किया गया। ये जो आंदोलन है उसके अंदर जो पिछले जो घेराव आंदोलन है, बस हमने वही आंदोलन की दिशा दी है कि इस बार भी सिड़कों को घेराव होगा, वही निर्देश है और वही निर्देश का पालन हमें करना है और बड़े तादाद में हज़ारों के संख्या में हम वहाँ सिड़कों को घेराव करेंगे। पिछली बार आंदोलन के दौरान ये मांग की गई थी कि जो बाला साहब ठाकरे का नाम दिया गया है एयरपोर्ट पर, उस प्रस्ताव को रद्द किया जाए और दीपा पाटिल साहब के नाम का प्रस्ताव बनाया जाए। अभी तक सरकार ने इस पर निर्णय नहीं लिया है, आप इसका क्या कारण मानते हैं? ये जो हम कारण मानते हैं, पक्षीय सरकार से हम बात नहीं कर रहे हैं, हम जनता की सरकार से बात कर रहा है और हमें भरोसा है कि संविधान ने जनता को जो हक और अधिकार दिया है, मूलभूत हक दिया है, स्वामित्व हक दिया है, वो जनता का सरकार सुनेंगे और वो जो हक है वो वापस दिलाएंगे। पिछली बार के आंदोलनों में जो लोग शामिल हुए हैं उनके खिलाफ अब नोटिस आ रही है पुलिस की, उन्हें रोकने की कोशिश चल रही है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या इस पूरे आंदोलन को डीरेल करने की कोशिश है और इस कोशिश को किस तरह से जवाब दिया जाए? जो नोटिस आते हैं पुलिस के नहीं आते, वो सरकार की आती है, सरकार की नोटिस है वो, पुलिस की नोटिस हम नहीं मानते। सरकार दबाव डालती है क्योंकि वो पक्षी सरकार है, वो जनता का सरकार नहीं है। जनता का सरकार हो तो नोटिस नहीं देंगे और दबाव तंत्र नहीं डालेंगे और दबंगी भी नहीं करेंगे और हमें भरोसा है इस बार सरकार जागृत होगी। ये पक्षी सरकार नहीं रहेगा, ये जन सरकार रहेगा और इस बार ये आंदोलन हमें शांति से करना है और पुलिस का दबाव इस बार पुलिस सरकार के माध्यम से पुलिस का दबाव नहीं रहेगा, ऐसा हमें भरोसा है। अब एयरपोर्ट आंदोलन नामांतरण आंदोलन के साथ अब प्रकल्पग्रस्तों के और इस शहर के भूमिपुत्रों के तमाम मसले भी जुड़ गए हैं, तो आपको लगता है कि इसमें नई गति और नई ताकत मिल गई इस आंदोलन को? बात यह है कि दीपा पाटिल साहब ये सर्व धर्म और सर्व समाज के नेतृत्व है और सर्व समाज के लिए नेतृत्व के किसान का नेतृत्व किया है और वो देश का नेता है, वो इसीलिए ये इस आंदोलन में हम नामकरण के साथ साथ भूमिपुत्र, शहरीपुत्र और झोरपट्टी ये तीनों क्षेत्र के उनके ज्वलंत प्रश्न और प्रलंबित समस्या भी इसके अंदर हम लेने वाले हैं और वो तय हो चुका है, इसलिए ये आंदोलन सर्व का सर्व होगा और सर्वांगीण होगा। क्या संदेश आप देना चाहेंगे खासकर ऐसे टाइम में जब सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है? हमारा संदेश सरकार को रिक्वेस्ट है, जनता सरकार को रिक्वेस्ट है, जनता के सरकार को रिक्वेस्ट है हमारा कि संविधान ने उनको स्थानिक मूलभूत हक दे दिए है, स्थानिक लोकाधिकार दे दिए है, फिर वो नई मुंबई हो या चार जिला हो, महाराष्ट्र हो या देश हो, वो उनका हक कायम रहना चाहिए, वो हक उनका छीनना नहीं चाहिए। दीपा पाटिल का नाम एयरपोर्ट पर हर हाल में दिया जाए, आपकी भूमिका? हमारी भूमिका कायम है और ठाम है और निश्चित है, निर्धारित है कि नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को दीपा पाटिल साहब का नाम देना चाहिए, क्योंकि ये जो आंदोलन है, ये नामकरण आंदोलन है, ये आंदोलन जो देश का भूमिपुत्र है, स्थानिक उनका लोकाधिकार है, उनका स्वामित्व हक का है, वो हक का प्राप्त करने के लिए ये आंदोलन एक केंद्र बिंदु हो चुका है। अगर सरकार रोकती है, पुलिस रोकती है कि आंदोलन ना हो, क्या भूमिका रहेगी? गया सर, प्रयास किया ना सरकार ने, सरकार प्रयास करती है, उसके लिए पुलिस को भी तकलीफ देती है वो, क्योंकि पुलिस का काम नहीं है वो, पुलिस को भी तकलीफ देते है, जनता को तकलीफ देते है, भूमिपुत्र को तकलीफ देते है, सरकार दबाव डालती है। अभी सरकार सोचेंगे, जब जनता का सरकार है तो वो दबाव नहीं डालेंगे और पक्षी सरकार है दबाव डालेंगे, लोग सोचेंगे, लोग उस ताकत से खड़े हो जाएंगे। पक्षी सरकार जितना दबाव डालेगी, जितना दबंगगिरी करेंगे, उतना पब्लिक उसके डबल ताकत से आगे आएंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर। जैसा कि आपने सुना कि सरकार चाहे कितना भी दबाव दे, इस आंदोलन को रोकने की चाहे लाख कोशिश करे, दमनशाही नीति का उपयोग करे, लेकिन प्रकल्पग्रस्त संकल्पित हैं,
दीपा पाटिल का नाम एयरपोर्ट पर दिलाने के लिए और उसके लिए वो हर प्रयास करेंगे और हर आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेंगे। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।